बच्चों वेलकम बैक टू आवर तो यूट्यूब चैनल आज मैं आपके सामने लेकर आई एक्सरसाइज तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन ऑल फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कि आपको सभी फ्रैक्शन देखने हैं और लिखने हैं और ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या सभी फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं आपको बताना देखो यहाँ पे दो पार्ट है जो पार्ट कलर है वो हम ऊपर लिखते हैं और जो टोटल है वो हम नीचे लिखते हैं कलर पार्ट कितना है वन तो ऊपर हम लिखेंगे वन और टोटल कितने हैं टू तो नीचे लिखेंगे टू फिर इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ देखो कलर्ड पोर्शन कितने हैं वन और टू दो, दो दो पार्टों में कलर है ना तो कलर्ड पोर्शन को ऊपर लिखेंगे टू और टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर नीचे लिखेंगे फोर ठीक है उसके बाद यहाँ देखो कलर्ड पार्ट कितने हैं वन टू थ्री तो ऊपर लिखेंगे थ्री टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो नीचे लिखेंगे सिक्स यहाँ देखो कलर्ड पोर्शन कितने हैं ब्लू कलर से जो हुए हैं वन टू थ्री फोर तो ऊपर लिखेंगे फोर टोटल कितने हैं फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन एट तो टोटल कितने हैं एट हमने लिख दिया सारे फ्रैक्शन उसके बाद लिखना है क्या ये सभी इक्विवेलेंट हैं या नहीं है इक्विवेलेंट कैसे चेक करते हैं बच्चों आपको देखना है पहले इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखो अगर ये सिंपल फॉर्म में आ सकते हैं तो उसको चेंज करो वन बाई टू तो वन बाई टू ही रहेगा टू बाई फोर को हम चेंज करेंगे तो एक किस पे कट रहा है टू वन जा टू 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 जा फोर ये इसको कट करके कितना आ जाएगा वन बाय टू फिर थ्री बाय सिक्स है इसको काटो थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा ये भी सिंपल फॉर्म में आके क्या आ गया वन बाय टू फोर बाय एट इसको कट करो फोर वन जा फोर फोर टू एट सभी को काट के मतलब सिंपल फॉर्म में ला के हमारे पास वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू सब में वन बाय टू आ रहा है और सभी वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब यस इट इज इक्विवेलेंट हाँ ये इक्विवेलेंट है ठीक है उसी के साथ क्वेश्चन नंबर बी है बी में देखो यही आपको सेम करना है पहले सारे फ्रैक्शन लिखो फिर उसके बाद बताना है कि आपको ये इक्विवेलेंट है या नहीं है सबसे पहले इसमें देखो ब्लू पार्स पोर्शन कितना है वन टू थ्री फोर ये कलर्ड है फोर यहाँ पे कलर्ड है जो लाइट आपको ग्रे कलर सा दिख नहीं रहा ना ये कलर्ड है वन टू थ्री फोर तो ये तो आपको ऊपर लिखना है और टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व नीचे लिखने हैं आपको ट्वेल्व अब इसमें देखो कलर्ड पोर्शन कितने हैं वन टू थ्री बस थ्री है तो थ्री लिखेंगे बहुत लाइट है ये दिख नहीं रहा तो आप ध्यान से देखना रहे है, हैं थ्री है बस थ्री ऊपर लिखेंगे और टोटल कितने हैं वो नीचे लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नीचे लिखेंगे हम नाइन उसके बाद इससे नेक्स्ट में कलर्ड पोर्शन एक और दो सिर्फ दो पोर्शन है बिल्कुल लाइट ये दिख नहीं रही तो ऊपर टू लिखेंगे टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नीचे हम इसके लिख देंगे सिक्स इसमें कलर्ड पोर्शन कितना है एक सिर्फ ये कलर हुआ है इसको ऊपर लिखेंगे टोटल कितने हैं वन टू थ्री थ्री हैं तो यहाँ थ्री लिख देंगे उसके बाद ये वाला बॉक्स है इसमें ध्यान से देखो कलर्ड कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव और एक यहाँ पे है कॉर्नर में सिक्स तो टोटल कलर्ड कितने हैं सिक्स और टोट तो, मतलब कल अब सारे काउंट करो कलर्ड और बिना कलर्ड वाले ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन टोटल कितने हैं बेटा फिफ्टीन तो हम लिखेंगे सिक्स अपॉन फिफ्टीन अब देखना ये है मतलब सोल्व करके सिंपल फॉर्म में लेके क्या सारे सेम टू सेम आ रहे हैं या नहीं देखो सबसे पहले फोर और ट्वेल्व को हम कट करेंगे सिंपल फॉर्म में फोर की टेबल पे फोर वन जा फोर और फोर टू फोर थ्री जा ट्वेल्व तो यहाँ आ गया वन बाय थ्री ठीक है उसके बाद इससे नेक्स्ट है नेक्स्ट में क्या है यहाँ पे है थ्री बाय नाइन थ्री बाय नाइन को जब हम सोल्व करेंगे थ्री वन जी थ्री थ्री जा, जा नाइन यहाँ पे भी क्या आ गया वन बाय थ्री दोनों सेम आ गए उसके बाद नेक्स्ट क्या है टू बाई सिक्स इसको भी अगर हम कट करते हैं टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स वन बाय थ्री आ जाएगा और ये तो और सिंपल में जा ही नहीं सकता है खुद ही वन बाय थ्री है देखो अब तक हमारा सेम आ रहा है वन बाय थ्री वन बाय थ्री वन थ्री वन थ्री लेकिन अभी हमें आंसर नहीं देखना है हमें सारों को चेक करके ही बताना है लास्ट में देखो बेटा सिक्स बाई फिफ्टीन है ये किसी ये दोनों वर्ड एक टेबल में आते ही नहीं है या आते आते तो हैं देखो थ्री की टेबल में मैं अगर इसको काट टू थ्री टू जा सिक्स और फिफ्टीन कितने पे आते हैं थ्री फाइव जा फिफ्टीन ठीक है तो यहाँ पे टू बाई फाइव आ रहा है अब सब में वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री आ रहा है लेकिन इसमें टू बाई फाइव आ रहा है इसीलिए ये इक्विवेलेंट नहीं है तो इसके आंसर में मैंने लो नो लिख दिया पहले के में सब सेम वैल्यू आ रही थी तो यस था और नीचे वाला नो इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन का पार्ट सेकंड पे यहाँ क्या करना है आपको राइट द फ्रैक्शन आपको फ्रैक्शंस लिखने हैं एंड पेयर अप और फिर पेयर भी करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो इस रो से जो भी मैच हो रहा है नीचे वाले के साथ उसके साथ मैच करने सबसे पहले फ्रैक्शन लिखेंगे मैच बाद में करेंगे फ्रैक्शन देखो यहाँ क्या है दो है ना डिजिट एक सेकंड ये यहाँ से बार बार उड़ रहा है बस ठीक है यहाँ पे एक पार्ट है तो वन ऊपर लिखेंगे टोटल कितने हैं टू तो नीचे लिखेंगे टू यहाँ पे पोर्शन कलर कितने पो कलर्ड पोर्शन कितने हैं वन टू थ्री फोर तो फोर ऊपर टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नीचे लिखेंगे सिक्स यहाँ पे कलर्ड कितने हैं वन टू थ्री थ्री ऊपर टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नीचे लिखेंगे नाइन कलर्ड यहाँ पे कितने हैं वन टू टू और टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नीचे लिखेंगे एट उसके बाद देखो कलर्ड पोर्शन यहाँ पे कितने हैं वन टू थ्री ऊपर लिख दिया मैंने थ्री नीचे वन टू थ्री फोर नीचे आएगा फोर हमेशा कलर्ड ऊपर और बिना टोटल नीचे आएगा ठीक है अब यहाँ देखो कितने कलर्ड पोर्शन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऊपर लिखेंगे सिक्स और आप में लिखेंगे टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन लेकिन ये नाइन ही सॉरी वन टू है बेटा ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ये दो पोर्शन माने जाएंगे इसीलिए लास्ट में जब एक कहीं आप गलत ना कर दो आपको एटीन ही लिखना है लास्ट में ठीक है इसी के साथ ये बड़ा क्वेश्चन हो गया सिक्स बाई एटीन लिखना है उसके बाद देखो यहाँ पे कलर पोर्शन कितना है वन टू थ्री फोर फोर आपको निकल लिखना है लेकिन टोटल कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पे एट लिखना है ये कई बच्चे इसमें गलत करेंगे सोचेंगे वन टू थ्री फोर ही तो पोर्शन है फोर नहीं है बेटा इसका भी हाफ ये वाला कलर्ड है तो इसको वन मान रहे, रहे तो ये टोटल वन टू होंगे ना अगर आप इसको वन काउंट कर रहे हैं वन टू थ्री फोर तो ये वाला पार्ट बच गया ये इसको भी तो वन काउंट करोगे ना वन टू थ्री फोर फोर कलर्ड है और फोर ये रह गए तो टोटल एट माने जाएंगे ना इसीलिए आपको ये ये भी काउंट करना है गलती से छोड़ना नहीं है ठीक है इसके बाद देखो थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा ध्यान से काउंट करो अभी देखो कितने कलर्ड है वन टू थ्री फोर ऊपर है फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व टोटल कितने हैं ट्वेल्व मतलब कलर्ड वाले अब टोटल करेंगे कलर्ड और अनकलर्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन नीचे कितना आएगा सिक्सटीन तो ट्वेल्व बाई सिक्सटीन जब हम कट करेंगे इसको नहीं कट तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको ठीक है अब देखो पहले नेम नेम लिख रही हूँ मैं कलर्ड देखो कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल कितने आ गए ऊपर एट उसके बाद काउंट करो टोटल कितने हैं बिना कलर्ड वाले और कलर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व नीचे कितना आएगा ट्वेल्व उसके बाद देखो यहाँ पे कलर कितने हैं वन टू थ्री फोर ऊपर कितना आ गया फोर और टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन नीचे कितना आएगा सिक्सटीन अब मैं बेटा थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में करूँगी क्योंकि हमें मैच करना है वन बाई टू और वन बाई टू ऐसे तो यहाँ कहीं नहीं आया अब मैं कट कर दूंगी पहले नीचे वाली सारी वैल्यूज़ को मैं क्या कर रही हूँ थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कर रही हूँ फ्रैक्शन को थोड़ा सा कट करके सिंपल फॉर्म में लेके आ रही हूँ ठीक है अब देखो बच्चे देखो सिक्स बाई एट है एटीन है इसको कट करेंगे तो कितने पे जा रहा है ये थ्री की टेबल में नहीं टू से टू से कट करो दोनों दोनों वर्ड है ना एक ही टेबल में आने चाहिए सिक्स और एटीन किसकी टेबल में आ रहे हैं सिक्स और एटीन मैंने टू से कट करा टू थ्री जा वो टू थ्री जै सिक्स और टू नाइन जै एटीन जैसे ही थ्री बाई नाइन आया ये किससे मैच हो रहा है सी से मैच हो रहा है तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा सी ठीक है ऐसे आपको मैच करना है फर्स्ट इज इक्वल टू सी मैंने लिखा नहीं आप लिख लेना उसके बाद बी को भी थोड़ा सिंपल फॉर्म में करते हैं ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैंने यहाँ बी को कट करके ये टू की टेबल में जा रहा है दोनों जन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू टू जा फोर टू थ्री जै सिक्स कट करके कितना आ गया टू बाई थ्री ऐसे ही देखो अब यहाँ इसको मैंने फिर उस यहाँ पे हो गया टू बाई थ्री फिर उसके बाद देखो इसको भी मैं कट करती हूँ एट बाई ट्वेल्व को सिंपल फॉर्म में करती हूँ फोर की टेबल से काट दो फोर टू जा एट फोर थ्री जा ट्वेल्व यहाँ भी टू बाई थ्री आ गया ना इसीलिए बी का मैच हम फोर्थ लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी वैल्यू सोल्व करके टू बाई थ्री आ रही है यहाँ भी टू बाई थ्री आ रही है फिर उसके बाद देखो फोर बाई एट है फोर बाई एट को सिंपल फॉर्म में करते हैं फोर वन जा फोर फोर टू जाट वन बाई टू वन बाई टू ऊपर से किससे मैच हो रहा है यहाँ से वन बाई टू वन बाई टू से मैच आ रहा है तो ए का क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ठीक है फिर उसके बाद हो गया ये वाला मैच इसके साथ अब देखो ये वाला भी हो गया अब देखो अब देखो ट्वेल्व बाई सिक्सटीन है ट्वेल्व बाई सिक्सटीन को अगर हम सिंपल फॉर्म में करें फोर से कटेगा फोर थ्री जो ट्वेल्व फोर फोर जो सिक्सटीन

रिप्लेस करना है जो भी बॉक्सेस यहाँ बने हुए हैं जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं बाय द फॉलोइंग द करेक्ट नंबर सही नंबर से आपको फिल करके ठीक करना जैसे टू बाय सेवन है और यहाँ एट लिख दिया आपको बताना बेटा यहाँ एट जैसे लिखा है वहीं सेवन के बॉक्स में क्या आएगा तो मैंने ये बड़े क्वेश्चन आपको यहाँ लिखे देखो यहाँ मैं दिखाऊंगी आपको नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा टू बाय सेवन है यहाँ पे एट है तो यहाँ पे क्या आएगा पहले ये देखो टू और फोर आपस में कैसे लिंक है किस पे जा रहा है के में एट कहाँ पे आ रहा है ये सोचो कितने पे आ रहा है फोर जा पे कितने पे आ रहा है बच्चा फोर जा पे टू फोर जा एट तो हम नीचे वाले को भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो उन सा रिलेशन उन्होंने ऊपर लगा रखा है जैसे उन्होंने ऊपर किया है ना बेटा सोल ऐसे सेम टू तो सेम हम नीचे करेंगे ठीक है इसको फोर से मल्टीप्लाई कर रखा टू फोर जाए एट नीचे वाले को भी फोर से करेंगे तो सेवन फोर जाट ट्वेंटी एट सो तो बॉक्स में हमारा क्या आ जाएगा ट्वेंटी एट ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट है फाइव बाई एट और ऊपर बॉक्स में टेन दिया गया नीचे बॉक्स में बनाना कुछ नहीं दिया था वो हमने फिल किया अब देखो फाइव टेन से कैसे रिलेटेड है कितने पे है? जा रहा है फाइव टू जाट टेन तो इसका मतलब इन्होंने किससे मल्टीप्लाई किया है टू से उसी से हमें नीचे करना पड़ेगा टू से ही तो so, एट टू सिक्सटीन हमारा क्या आ जाएगा सिक्सटीन उसके बाद देखो थ्री बाई फाइव है और इन्होंने ऊपर मतलब थ्री बाई फाइव है हाँ तो ऊपर कुछ नहीं दिया है नीचे ट्वेंटी गलती से दोनों जगह बॉक्स बन गए हैं इसीलिए मैंने ऊपर वाला खाली छोड़ दिया है अब नीचे देखो फाइव का ट्वेंटी से कैसा रिलेशन है फाइव की टेबल में ट्वेंटी कब आता है जब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें फोर से फाइव फोर जा तो हमें ऊपर वाले को भी फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री फोर जा ट्वेल्व तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा ट्वेल्व ठीक फिर उसके बाद है यहाँ डी पार्ट में आ गया डी तो मैंने यहाँ फोर्टी फाइव बाई सिक्सटी है अब देखो यहाँ पहले क्या था आगे छोटी वैल्यू थी पीछे बड़ी आ रही थी तो हमें मल्टीप्लाई करना था हमें पता चल रहा है लेकिन अब देखो आगे बढ़ी और पीछे कम हो गए छोटी हो रही है इसका मतलब ये किसी से डिवाइड हो रहा है हमेशा आगे बढ़ी हो बेटा पीछे छोटी हो रही है तो इसका मतलब किसी ना किसी से डिवाइड हो रहा है फिर भी हम देखेंगे ये बड़ा जो उन्होंने दे रखा है फिफ्टीन और फोर्टी फाइव पर कैसे लिंक है अपने आप में टेबल पे कितने पे आते हैं तो फिफ्टीन थ्री जहाँ फोर्टी फाइव होता है इसका मतलब इन्होंने किससे डिवाइड कर रखा है थ्री से किससे का रखा बेटा थ्री से बस आपको दो जो वैल्यू दी गई उनका रिलेशन चेक करना है ये टेबल में कहां पे आता है तो आपको क्वेश्चन वैसे कि वैसे सोल्व हो जाएगा फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव तो इसको हम लोग थ्री से डिवाइड करते हैं तो फिफ्टीन आएगा अब इसको भी थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स और जीरो की जीरो तो यहां पे ट्वेंटी आ जाएगा इसका आंसर डी वाले पार्ट का उसके बाद ई वाला पार्ट है यहां क्या है एटीन बाई ट्वेंटी फ़ोर है और नीचे इन्होंने फोर दे रखा है ऊपर कुछ नहीं दे रखा अगेन बड़ी है पीछे छोटी हो रही है डिवाइड हुआ अब देखो फोर और ट्वेंटी फोर कितने पे आते हैं अपने टेबल में फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर ठीक है इसका मतलब ये डिवाइड हुआ है किससे सिक्स से नीचे सिक्स से है तो ऊपर भी सिक्स से हो जाएगा सिक्स को जब एटीन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सिक्स थ्री जा एटीन तो बॉक्स में क्या लिख देंगे हम थ्री इसी के साथ ये बड़ा थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हम क्वेश्चन नंबर फोर के लिए पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं बुक में से ठीक है इसमें क्या लिख रखा है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको थ्री बाई फोर के इक्विवेलेंट ही फ्रैक्शन मतलब इक्वल फ्रैक्शन ही ढूंढना है हैविंग जिसका डिनोमिनेटर ट्वेंटी होना चाहिए एक ऐसे जिसका न्योमिनेटर नाइन हो एक ऐसे जिसका डिनोमिनेटर थर्टी और एक ऐसे जिसका न्योमनेटर ट्वेंटी सेवन हो, हो. सबसे पहले इससे करेंगे डिनोमिनेटर ट्वेंटी हो थ्री बाई फाइव तो होना चाहिए उसके इक्वल ऐसी कौन सी वैल्यू लिखी चाहिए जिसके डिनोमिनेटर में ट्वेंटी आ जाए क्वेश्चन आपको समझ आ गया आप मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी वैल्यू आएगी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का तो यहाँ देखो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहां लिख रखा है बुक में तो थ्री बाई फाइव है नीचे उन्होंने कह रखा है डिनोमिनेटर में ट्वेंटी आए तो नीचे ट्वेंटी कैसे आएगा अब देखो ये दोनों आपस में कैसे लिंक है फाइव की टेबल में ट्वेंटी कितने पे आता है फाइव फोर जा मतलब मल्टीप्लाई कर रखा है फोर जा पे देखो ये आगे छोटी पीछे बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई ही कर रखा है ना ये बताया था ना मैंने तो और बड़ी वैल्यू पीछे है तो मल्टीप्लाई आगे बड़ी वैल्यू है तो डिवाइड ठीक है ये बात हमेशा मन में क्लियर रखना अब देखो फाइव को फाइव की में ट्वेंटी कितने पे आते हैं फोर जा पे तो ऊपर वाले को भी फोर जा से सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री फोर जा कितना होता है ट्वेल्व बॉक्स में क्या आ जाएगा हमारा Well, इसी के पास बी पार्ट है कि थ्री बाई फाइव के भीक्वल ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका न्यूमरेटर नाइन हो उन्होंने ऐसे लिख रखा है न्यूमरेटर नाइन मतलब ऊपर हम नाइन लिख देंगे न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे सबको पता ही होगा पहले वाले एक्सरसाइज में भी बता रखा है तो ऊपर नाइन लिख दिया नीचे पूछो कितने आ रहे। अब थ्री और नाइन आपस में देखो कितने से लिंक है थ्री थ्री या नाइन मतलब किसको मल्टीप्लाई कर रखा है थ्री को नीचे भी हमें थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइव थ्री या फिफ्टीन तो इधर क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में फिफ्टीन उसके बाद थ्री बाई फायर टेस्ट थ्री बाई फेव तो सब में लेना है क्योंकि उन्होंने ऊपर एक ही वैल्यू ले रखी है थ्री बाई फाइव और लिख दिया डिनोमिनेटर में इसके थर्टी होना चाहिए अगर इसके डिनोमिनेटर में थर्टी है तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा अब फाइव और थर्टी देखो कितने से लिंक अपनी टेबल फाइव सिक्स जा कितने पे आता है थर्टी सिक्स जा पे तो इसका मतलब इन्होंने मल्टीप्लाई कर रखा है सिक्स से तो ऊपर वाले को भी सेम सिक्स से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री सिक्स जा कितना होता है बच्चे एटीन क्या होता है एटीन तो ऊपर बॉक्स में क्या आ जाएगा एटीन उसके बाद है पार्ट नंबर डी है यहाँ पे लास्ट पार्ट इन्होंने कह रखा थ्री बाई फाइव के वैल्यू ऐसे इक्वल लिखो जिसके न्यूमरेटर में ट्वेंटी सेवन हो मतलब ऊपर ट्वेंटी सेवन हो तो देखो कैसे लिंक है दोनों ट्वेंटी सेवन और थ्री कितने पे जा रहा है थ्री नाइन जहा ट्वेंटी सेवन नाइन पे जा रहा है ना नाइन जा पे तो नीचे वाले को भी हम नाइन से ही मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर ये वाला फोर कंप्लीट है इसमें चार ही पार्ट है अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पे बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको अब इक्वल फ्रैक्शन ढूंढने हैं ऑफ थर्टी सिक्स और फोर्टी एट के इक्वल लेकिन उनका न्यूमरेटर नाइन होना चाहिए एक बार एक दूसरी बार ढूंढना है थर्टी बाई फोर्टी सिक्स थर्टी सिक्स बाई फोर्टी एट का इक्विवेलेंट मतलब इसके इक्वल लेकिन डिनोमिनेटर में फोर होना चाहिए सबसे पहले आपको देखते ही एक क्लिक करनी चाहिए बच्चों माइंड में यहाँ बड़ी वैल्यू है पीछे छोटी हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है इनमें डिवाइड होएगा ठीक है ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया था ना सारे सम्स में अब इसमें डिवाइड होएगा ठीक है लिखो देखो मैं दिखाती हूँ इसको बुक में मैंने कहाँ लिखा है देखो मैंने यहाँ इस बुक इसमें यहाँ लिखा है कॉपी में देखो थर्टी सिक्स बाई फोर्टी एट है वो तो हमें लेना ही है तो कह रहे हैं नुमरेटर में नाइन आना चाहिए ऊपर नाइन मैंने लिख दिया ऐसे और नीचे बॉक्स में क्या आना चाहिए मैंने अपने पास से बॉक्स बनाया सोचो अब ये देखो बेटा आपस में कैसे लिंक है नाइन और थर्टी सिक्स कितने पे आते हैं टेबल में नाइन फोर जा ठीक है तो यहाँ पे कितना मतलब क्या कर रखा है डिवाइड कितने से कर रखा है फोर से तो नीचे वाले को भी डिवाइड करना पड़ेगा फोर से जब हम फोर को फोर्टी एट से डिवाइड फोर से फोर्टी एट को डिवाइड करेंगे तो फोर वन जा फोर वन आ गया फोर टू एट टू आ जाएगा जब आप साइड में भी करोगे जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा वन टू ट्वेल्व ठीक है इसी के साथ सेकंड इसका पार्ट है दो पार्ट थे बेटा इसमें थर्टी सिक्स और फोर्टी एट के इक्विवेलेंट क्या लिखे कि हम डिनोमिनेटर में फोर आ जाए नीचे फोर में लिख दिया ऊपर सोचना है क्या भरना है पहले इन दोनों को देखो ये कितने से लिंक है बेटा देखो फोर और फोर्टी एट में कोई डिवाइड दिख रहा है रिलेशन कितने से हो रहा है इसका मतलब ये देखो ध्यान से देखो बेटा ये डिवाइड हो रहा है ट्वेल्थ से ट्वेल्थ की टेबल में आता है फोर ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट ठीक है तो ये किससे हो रहा है ये किसके में ट्वेल्थ से टू टू फोर वन जा फोर फोर टू जै एट ट्वेल्थ पर जा रहा है तो इसको भी आपको ट्वेल्थ से ही डिवाइड करना पड़ेगा ट्वेल्थ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ट्वेल्थ टू जा ट्वेल्थ टू जा ट्वेंटी फोर ट्वेल्थ थ्री जा सक, थर्टी सिक्स तो हमारा क्या आ जाएगा थ्री जा तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे थ्री जा बुक्स में इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फाइव भी कम्प्लीट है क्वेश्चन नंबर सिक्स रीड करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा क्या करना है चेक करना है आपको वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट सिर्फ ये चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट जो ये है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है ठीक है देखो फाइव बाई नाइन और थर्टी बाई फिफ्टी फोर ये पहले मैंने सारी कॉपी में लिखी है मैं वहीं वहीं से करवाऊंगी थ्री बाई टेन ट्वेल्व बाई फिफ्टी सेवन बाई थर्टीन फाइव बाई इलेवन आपको सिंपली देख के बता सकते हो इक्वल है या नहीं फिर मैंने सोचा यहाँ थोड़ी सी कटिंग हो जाएगी इसलिए तो कॉपी में दिखाती हूँ चलो दिखाती हूँ देखो फाइव बाई फोर नाइन एंड थर्टी बाई फिफ्टी फोर पहला क्वेश्चन यही था ना फाइव बाई नाइन तो सिंपल फॉर्म में कट नहीं रहा तो थर्टी बाई फिफ्टी फोर देखो दोनों एक ही टेबल में आ रहे, six की में आ रहे रहे हैं हैं की में थर्टी सिक्स तो फाइव बाई नाइन इधर भी आ गया इधर भी आएगा मतलब दोनों इक्विवेलेंट हो गए इक्वल हो गए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा येस इट इज इक्वीवेंट ठीक है उसके बाद इसी का बी पार्ट है बेटा थ्री बाई टेन और ट्वेल्व बाई फिफ्टी अब थ्री बाई टेन तो ऐसे कैसे लिख दे ट्वेल्व बाई फिफ्टी को किससे काटेंगे मैंने ये काटा टू की टेबल्स पे टू थ्री जा टू सिक्स जा ट्वेल्व और ट्वेंटी फिफ्टी को काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टू टू जो फोर टू फाइव ज फिफ्टी डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी फाइव आ जाएगा यहाँ पे क्या है थ्री बाई सिक्स टेन और यहाँ पे क्या है सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव ये आगे कट भी नहीं रहा है एक टेबल में आ ही नहीं रही दोनों तो ये तो इक्वल नहीं ना बेटा ये अलग वैल्यू है ये अलग वैल्यू है तो नो इसका लिखेंगे नो हम ये इक्विवेलेंट नहीं है इसी का एक और पार्ट है सी इसमें क्या है सेवन बाई थर्टीन और फाइव बाई इलेवन अब ये दोनों तो आपस में कट भी नहीं रहे किसी टेबल पे ठीक है दोनों एक टेबल में कट ही नहीं रहे और सिंपली देखने से ही पता चल रहा है दोनों इक्वल नहीं है अलग अलग वैल्यूज हैं तो इसका क्या आएगा नो ये भी इक्विवेलेंट नहीं है इसके साथ क्वेश्चन नंबर सिक्स भी कम्प्लीट हो गया अब हम सेवन रीड करते हैं पहले बुक से क्या है बुक में लिखा हुआ तो ये आ गया सेवन यहाँ पे देखो सेवन में क्या लिखा हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म अभी हमें यहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ दी गई हैं ई तक इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना मतलब सिंपली काटना है आपको और छोटी वैल्यूज़ में ये जहाँ तक आती है तो ये भी मैं बच्चों कॉपी में ही लिखवाऊंगी आपको ये सारे पार्ट क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अच्छा से समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर सेवन को देखते चलो तो देखो सबसे पहले ए पार्ट है फोर्टी एट बाई सिक्सटी अब इसको कट करो किससे कट रहा है ट्वेल्व से कट रहा है तो कट हो सिंपल आ रहा है आगे टी नहीं रहा इससे छोटे फॉर्म नहीं हो रही इसकी क्योंकि दोनों एक ही टेबल में नहीं आ रहे काटने के लिए क्या होना चाहिए बेटा दोनों टेबल ऊपर की और नीचे की एक ही टेबल से डिवाइड करनी चाहिए यानी कि ऊपर अलग टेबल से काटते नीचे अलग नहीं दोनों जो वर्ड है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही टेबल से आने चाहिए ठीक है उसको काट के फिर वो जितने पे आते हैं वो लिख दो बस सिंपल अब देखो एट्टी फोर और नाइन्टी एट है ये कितने पे जा रहा है ठीक है एट्टी फोर और नाइन्टी एट देखो बेटा टू फोर जा टू से काटे पहले मैंने टू फोर 8 और टू टू जा फोर ठीक है फोर्टी टू आ गया अब नीचे वाला काटो टू फोर जा एट फोर पे गया वन बच गया यहाँ एटीन बन गया टू नाइन जा एटीन ठीक है नीचे आ गया फोर्टी नाइन अब फोर्टी टू और फोर्टी नाइन अब देखो ये दोनों सेम किसी के टेबल में आते हैं तो देख से ही पता चल रहा है सेवन की में सेवन सिक्स जा फोर्टी टू सेवन सेवन जाए फोर्टी नाइन तो आंसर हमारा क्या आ गया सिंपल फॉर्म में सिक्स बाय सेवन उसके बाद इसी का बी पार्ट है ये सी मैंने गलती से पहले करवा दिया बी यहाँ है बेटा अब देखो अब वन फिफ्टी और सिक्सटी है ज़ीरो का जीरो दोनों में कैंसिल हो गया उसके बाद देखो कितने पे जा रहा है ध्यान से देखो यहाँ पे देखो फाइव पे जा रहा है थ्री से मैंने कट किया है थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री टू जा सिक्स ठीक है तो हमारा सिंपल फॉर्म क्या आ गई फाइव बाई टू इसी के साथ इसका डी पार्ट है ट्वेल्व बाई फिफ्टीन अब ट्वेल्व बाई फिफ्टी टू देखो किससे कटता है फोर की टेबल से मैंने काटा है फोर थ्री जा ट्वेल्व और से इधर काटेंगे तो फोर वन जा फोर वन बच जाएगा यहाँ पे और वन और टू मिलकर ट्वेल्व फोर थ्री जा ट्वेल्व तो क्या आ जाएगा थ्री बाय थर्टीन इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है अब सेवन बाई ट्वेंटी एट देखो देखने से ही पता चल रहा है दोनों एक ही टेबल में आते हैं वो भी सेवन की टेबल में आते हैं तो हम इसको सेवन पे ही काटेंगे देंगे सेवन वन जा सेवन सेवन की टेबल में सेवन कितने पे आता है वन पे तो यहाँ पे लिख दिया वन सेवन की टेबल में ट्वेंटी एट कितने पे आता है फोर पे तो यहाँ पे लिख देंगे फोर तो इसी से ये इसकी आ गई सेवन बाई फोर सिंपल फॉर्म ठीक है बेटा इसी के साथ ये वाला सेवन वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ तो बेटा क्वेश्चन नंबर एट थोड़ा स्टेटमेंट वाला ध्यान से पढ़ना पड़ेगा रमेश है ट्वेंटी पेंसिल रमेश के पास ट्वेंटी पेंसिल है शीलू कोई है उसके पास फिफ्टी पेंसिल है और जमाल हैड एट्टी पेंसिल उसके पास एट्टी पेंसिल थी ठीक है सबके पास इतनी इतनी थी आफ्टर फोर मंथ चार महीने के बाद रमेश यूजड अप उसने यूज कर ली टेंथ पेंसिल शीलू यूजड अप ट्वेंटी फाइव पेंसिल सीलू ने ट्वेंटी फाइव कर दी और जमाल ने कितनी कर कि दी है फोर्टी इनमें से जितनी थी तो फ्रैक्शन क्या बनेगा व्हाट फ्रैक्शन ईच यूज़ अप तो मैंने हज़ार बार बता रखा बेटा जो भी पास कलर्ड है या भी जो भी यूज़ कर लिया वो हमेशा ऊपर लिखेंगे और जो टोटल था वो नीचे लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें देखो रमेश के पास उसने यूज़ कितनी की दस और टोटल कितनी थी ट्वेंटी तो कितना इसका फ्रैक्शन बनेगा टेन बाई ट्वेंटी वैसे बता रही हूँ पहले अब शीलू के पास जिसने यूज़ कितनी की ट्वेंटी फाइव और उसके पास थी कितनी फिफ्टी तो ट्वेंटी फाइव बाई फिफ़्टी जमाल ने कितनी यूज अप की फोर्टी और उसके पास थी कितनी एट्टी तो फोर्टी बाई एट्टी उसके बाद मैंने फ्रैक्शन बना लिया उससे पूछ करना है चेक करना है इफ़ ईच हैज़ यूज अप एन इक्वल फ्रैक्शन ओफ हर हेज़ और हर पेंसिल्स उसने हर एक ने अपनी पेंसिल और पेन का इक्वल फ्रैक्शन यूज़ किया है या नहीं सबसे पहले मैं लिखूँगी यहाँ पे रमेश का क्या फ्रैक्शन है टेन बाय ट्वेंटी टेन उसने यूज की ट्वेंटी टोटल थी शीलू का क्या फ्रैक्शन था ट्वेंटी बाई फिफ्टी ट्वेंटी फाइव उसने यूज की फिफ्टी उसके पास टोटल थी जमाल का क्या फ्रैक्शन था फोर्टी बाई एटी फोर्टी उसने यूज की एटी टोटल थी अब देखो बेटा ये सिंपल फॉर्म में नहीं है पहले मैं इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी टेन और ट्वेंटी दोनों टेन की टेबल में आ रहे हैं तो कितने प्यारे टेन वन जा टेन कितने प्यारे टेन टू जा ट्वेंटी तो वन बाई टू आ गया ट्वेंटी फाइव और फिफ्टी दोनों ट्वेंटी फाइव टेबल में आ रहे हैं कितने प्यारे ट्वेंटी टू जा फिफ्टी टू पे अब फोर्टी बाई एट्टी दोनों फोर्टी के टेबल में आ रहे हैं फोर्टी वन जा फोर्टी फोर्टी टू जा, जा तो सबको सिंपल फॉर्म में करने के बाद ठीक है यहाँ भी वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू तीनों में वन बाई टू आ रहा है तो लिखेंगे हाँ यस इट इज इक्वल इक्वी वैलेंट फ्रैक्शन लिखना था इक्वल फ्रैक्शन लिख दिया कोई बात नहीं सेम है इक्वल फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है यही आपको पता करना था इसी के साथ मूव ऑन करते बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे चलो रीड करते ये क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको यहाँ फ्रैक्शन दे गए हैं पहले तो उनको मैच करना है एंड टू मोर ऑफ ईच और हर एक के दो दो और करने हैं ठीक है, है? सबसे पहले क्या है ये वाला देखो पहले तो मैं मैच करूंगी देखो इसको कट कर दो पहले सिंपल फॉर्म में करो क्योंकि ऐसे तो किसी के साथ टू फिफ्टी और फोर्टी कहीं नहीं है ये मैथ वाली डिजिट का हमें इंग्लिश वाली ए बी सी डी ई इनके साथ मैच करना है तो टू फिफ्टी और फोर्टी तो ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो एक से ज़ीरो से जीरो काट दो ठीक है कट गई अब ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टी किसकी टेबल में आते हैं फाइव के में कितने पर आ रहे हैं फाइव फाइव जाए ट्वेंटी फाइव फोर्टी कितने पर आता है फाइव एट जाए तो फाइव बाई एट फाइव बाई एट किस से मैच हो रहा है पहले का डी तो फर्स्ट का हम क्या लगा देंगे डी पार्ट उसके बाद देखो इसको कट करेंगे जीरो से ज़ीरो कट कर दो सब में जीरो एक्स्ट्रा कोई बात नहीं ऐसे कट कर दो दोनों अब ना एटीन और ट्वेंटी किसकी टेबल में आ रहा है टू की में कितने पे नाइन जा एटीन टू टेन जा ट्वेंटी तो नाइन बाय टेन अब किससे हो रहा है ये वाला ई e से मैच हो रहा है सेकेंड का क्या ऑप्शन आ गया ई अगेन जीरो से जीरो काट दो यहाँ पे सिक्सटी सिक्स और नाइन्टी नाइन इलेवन की टेबल में आ रहे हैं किसने पे आ रहे हैं इलेवन सिक्स जा सिक्सटी सिक्स इलेवन नाइन जा नाइन अब सिक्स बाई नाइन भी अगेन किससे कट रहा है थ्री की टेबल में आ रहा है थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन क्या आ रहा है टू बाई थ्री तो मैंने यहाँ लिख दिया टू बाई थ्री टू बाई थ्री किस से मैच हो रहा है ए से ठीक है तो थर्ड का क्या आ गया ए उसी के साथ फिफ्थ फोर्थ है जीरो का जीरो कट गया एटीन बाई ट्वेंटी सिक्स एटीन और ट्वेंटी सिक्स थर्टी सिक्स अपनी टेबल में आ रहे हैं एटीन वन जाटीन एटीन टू जा थर्टी सिक्स तो वन बाई टू किस से मैच हो रहा है यहाँ आ रहा वन बाई टू सी से तो फोर्थ का क्या आ जाएगा सी उसी के साथ लास्ट पार्ट है वी वी में क्या करना है बेटा जीरो से ज़ीरो कट गई और यहाँ पे देखो ट्वेंटी टू और फिफ्टी फाइव मतलब क्या करना है ये कार्ट ये कितने पे जा रहा है इलेवन की टेबल में इलेवन टू जा ट्वेंटी टू इलेवन फाइव जा फिफ्टी फाइव तो टू बाई फाइव टू बाई फाइव देखो कहाँ है यहाँ बी के पास तो फिफ्थ का क्या मैच हो रहा है बी इसी के साथ हमने मैच कर दिया और आगे देखो तो इसमें बेटा छोटा सा और रह गया टू मोर ईच आपको इसके जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आ ये सी इसके और टू टू एग्ज़ाम्पल्स लिखने हैं जैसे ट्वेंटी बाई फिफ्टी को कट कर जिसको कट करके फाइव बाई एट आई तो ऐसे दो एग्जांपल पहले मैं कॉपी में दिखाती हूँ चलो तो देखो फाइव बाई एट देखो किस दो ऐसे फ्रैक्शन मैंने लिख दिए टेन बाई सिक्सटीन और फिफ्टीन बाई ट्वेंटी फाइव अगर मैं इसको कट करती हूँ टू फाइव जा टेन टू एट जा सिक्सटीन तो फाइव बाई आ रहा है इसको भी कट करके देखो थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री एट जा ट्वेंटी तो फाइव बाई एट फाइव बाई एट ही आ रहा है इसको काटने से तो पहले के दो फ्रैक्शन और लिख दिए मैंने थ्री टेन बाई सिक्सटीन अब फिफ्टीन बाई ट्वेंटी फ़ोर आप सोचोगे ये मैंने लिखे कैसे हैं लिखना कैसे है बच्चों देखो जैसे कि ये फाइव बाई एट है तो आप किसी भी टेबल को इससे टू किसी भी टेबल का फाइव जा और एट जा लिख दो आपकी वैल्यू आ जाएगी जैसे मैंने टू की टेबल का फ़ाइव जा लिख दिया टू फाइव जा टेन और टू ही टेबल का एट जा लिख दिया टू एट जाए सिक्सटीन फिर मैंने दो ये दो वैल्यू लिखनी थी फिर थ्री की टेबल का फाइव जे लिख दिया फिर एट जे लिख दिया थ्री फाइव जे फिफ्टीन थ्री एट जाए ट्वेंटी फोर ऐसे ही दो फ्रैक्शन बन गया आप फोर की टेबल का फाइव जट जहा लिख दो किसी भी टेबल का फाइव जो और एट जहा लिखो उसको कट कर दो फिर उसकी टेबल से फाइव और एट ही आएगी ठीक है ऐसे एक वीवेलेंट फ्रैक्शन बनते हैं आपको किसी भी टेबल का फाइव जे और एट जहा लिखना है उसके बाद सेकंड पार्ट में कट हो गए नाइन जै और नाइन और टेन आए थे तो किसी भी टेबल के आप नाइन जे और टेन जो लिख दोगे तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएंगे जैसे टू के टेबल का नाइन जा ना एटीन और टेन जा ट्वेंटी और फिर थ्री की टेबल का नाइन जा ट्वेंटी सेवन और थर्टी अब इसको कट करेंगे जैसे हम कट करके दिखाती हूँ टू की टेबल में टू नाइन जा और टू टेन जा हमारा क्या आ गया नाइन बाई टेन इसी के इक्वल लिख रहे थे ना नाइन बाई टेन आ गया इसको भी कट करेंगे थ्री की टेबल से थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन थ्री टेन जा थर्टी नाइन बाई टेन ही आना चाहिए अल्टीमेट उसी को तो इक्वल बोलेंगे ना इसके इक्वल दो वैल्यू ये आ रही है ठीक है एट बाई ट्वेंटी और ट्वेंटी सेवन बाई थर्टी कन्फ्यूज़ नहीं होना है बच्चों सीधा जो आपके यहाँ लिखा है वो किसी भी टेबल का टू जा और थ्री जा वो लिख दो बस सिंपल दो वैल्यूज़ हो जाएंगी अब देखो टू बाई थ्री था किसी की टेस्ट मैंने टू की टेबल का टू जा और थ्री जा लिख दिया टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स और थ्री की टेबल का भी लिख दिया सिक्स बाय नाइन से। एक सेकेंड लगता है वो किसी ने कुछ गिरा दिया उसकी आवाज़ थी तो चलो कन्फ्यूज़ ना हुआ उसके बाद देखो ये फोर बाई सिक्स और सिक्स बाई नाइन का हो गया था उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो बेटा यहाँ पे वन बाई टू किसी की टेबल का वन जा और टू जा लिखना है तो टू की टेबल का लिखा टू जा टू की टेबल का वन ज कितना होता है टू और टू की टेबल का टू जा कितना होता है फोर तो टू बाय फोर फिर थ्री की टेबल का वन जो लिख दिया थ्री थ्री की टेबल का टू जा हो गया सिक्स आप किसी भी टेबल का लिख रही हूँ मैं स्टार्टिंग की टू और थ्री की टेबल का लिख दिया इसका मतलब ये नहीं है आपको भी टू और थ्री का लिखना है आप थ्री जगह का भी लिख सकते हो फोर जगह का भी लिख सकते हो फाइव जा कुछ भी लिख सकते हो ठीक है फाइव की टेबल का सिक्स की टेबल का किसी का भी सिर्फ लिखना है क्या है जो यहाँ पे लिखा है वन जा और टू जा ही लिखना है तभी इक्विवेलेंट बनते हैं बेटा ठीक है लास्ट वाला क्वेश्चन है टू और फाइव मतलब किसी भी टेबल के हमें टू जा और फाइव जा लिखने मैं तो स्पेशली प्रीफर टू और थ्री की ही कर रही हूँ सबके तो सब में टू और थ्री की टेबल के ही टू जा और थ्री जा कुछ भी जो भी लिखने हैं वो टू और थ्री की टेबल का ही लिख रही हूँ तो इसमें भी मैं टू और थ्री की टेबल का टू जा टू की टेबल का टू जा कितना आ जाएगा फोर और टू की टेबल का फाइव जा कितना आ जाएगा टेन टू फाइव जा टेन ऐसे ही मैं अब थ्री की का लिखूंगी थ्री की टेबल में टू जा कितना होता है सिक्स थ्री की टेबल में फाइव जा कितना होता है फिफ्टीन तो यहाँ क्या आ जाएगा सिक्स बाई फिफ्टीन ठीक है ऐसे ही दो दो वैल्यू मैंने सबकी लिखनी थी लिख दी आप कंफ्यूज नहीं इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बेटा ऐसे ये कट करोगे सेम टू बाई फाइव ही आ जाएगा ऐसे लिख दिया जैसे कट करके देख लो टू टू जाए फोर टू फाइव या फिफ्टीन इसको कट देंगे थ्री से थ्री टू जा सिक्स थ्री फाइव या फिफ्टीन तो टू बाई फाइव ही आ रहा है वही तो इक्वल होता है जिसको कट करने से सेम वैल्यू आ जाए तो मैंने सिखा दिया इसके लिए भी आप ट्रिक अब हो पाए आप बच्चों आपको ये वाली एक्सरसाइज लेंथ ही जरूर है थोड़ी सी पर इजी है ठीक है आप ध्यान से समझो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो थैंक यू